आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि हम जब कैनवा के ऑफिशियल पेज पे आते हैं, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं, तो आपको बताया है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, वो ये इसका चैनल आर्ट है, जो आप कलरफुल आप ये देख रहे हैं सामने स्क्रीन के, जिसमें मैं माउस अपना मूव कर रहा हूँ, ये चैनल आर्ट है। इसी के अंदर सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो अगर आपने फेसबुक की पोस्ट या इंस्टा की बनानी है, तो आपने क्या करना है, एक तो बात ये समझ लें कि फेसबुक की पोस्ट और जो इंस्टाग्राम की पोस्ट है वो 1080x1080 ही एक ही तरह की पोस्ट होती है, क्योंकि मेटा आ गया है तो दोनों की पोस्ट का साइज़ एक ही है, वरना फेसबुक पे पोस्ट डिफरेंट भी हो सकती हैं। जिस तरह मैं आपको कुछ एक अगर आपको दिखाऊं जो इसके डिफरेंट साइजेस होते हैं, तो अगर आप ये देखें कि ये फेसबुक का है, यहाँ पे फेसबुक और इंस्टाग्राम की डायमेंशन मैंने आपको बताई थी कि फेसबुक की जो और इंस्टाग्राम की जो पोस्ट होती है वो 1080, ये जो कि आप देख रहे हैं 1080x1080 ही होती है। यही ये जब से मेटा आया है या यानी जब से ये इंटरलिंक हुए हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम, तो दोनों की एक ही तरह की पोस्ट होती है कि जब आप फेसबुक पे पोस्ट करें तो इंस्टाग्राम पे भी हो जाती है, और जब आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट करें तो फेसबुक पे भी हो जाती है। इस वजह से दोनों का साइज सेम रखा गया है। इससे पहले जब ये मेटा नहीं था और ये अलग अलग एप्लीकेशन आपको डील करना पड़ती थी, तो फेसबुक की आपको लैंडस्केप में आपको जो पोस्ट मिलती थी वो 1200x628 पिक्सल आपकी जो आपको पिक्चर है वो इस तरह मिलती थी। अब ये बिल्कुल आपको एक रेक्टेंगल की शक्ल में एक 1080x1080 यानी कि हॉरिजेंटल और विड्थ की सेम होती है, इस तरह की पोस्ट आपको बनानी पड़ती है। तो आइए अब हम देखते हैं कि हम इसको डिज़ाइन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जाके मैं फेसबुक पोस्ट लिखूंगा, ये मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मैं इसको जाके जब यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपके सामने देखिए फेसबुक की सारी पोस्ट आ गई हैं। यहाँ पे आप डिफरेंट तरह की हम पोस्टें बनाएंगे, हम 2-3 पोस्ट डिजिटल मार्केटिंग की बना लेते हैं ताकि हमें उनकी पोस्ट बनाना आ जाए, और फिर इसके बाद हम एक आधी पोस्ट कोई फैशन की बना लेते हैं या एक आधी पोस्ट हम कोई ट्रैवलिंग की बना लेते हैं। देखिए आप जब फेसबुक की पोस्ट मैंने सर्च किया तो यहाँ पे सारी की सारी फेसबुक की पोस्ट आ गई हैं। अब इसमें कोई जॉनरा नहीं है, सारे मिक्स जॉनरा हैं, सारे मिक्स टाइप हैं। कुछ आपको हायरिंग की मिल रही हैं, कुछ आपको कोर्स मिल रहे हैं, कुछ डिजिटल मार्केटिंग की है, ये वेबिनार्स की हैं, ये फिर कुछ कोर्स आ गए हैं इस तरह, ये मेडिकल की हैं, फैशन की हैं, ट्रेवलिंग की हैं, फर्नीचर की हैं। तो आप यहाँ पे डिफरेंट आपको जॉनरा की मिल गई हैं। आपको जो भी पोस्ट चाहिए होगी आप एक तो यहाँ पे भी वो फेसबुक पोस्ट लिख सकते हैं, फैशन फेसबुक पोस्ट, तो वो भी आ जाएंगी, वरना आप किसी एक पोस्ट को अगर क्लिक कर लें और इसको कस्टमाइज़ कर लें। यहाँ पे देखें मैंने एक पोस्ट सेलेक्ट की है, मैंने यहाँ से कस्टमाइज इस चैनल पे गया हूँ। जब मेरी पोस्ट यहाँ पे इंस्टा के लिए आ जाती है तो यहाँ पे भी आप अगर आप देखें तो लेफ्ट साइड पे जो आपको एक पैनल नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी आपको वो बहुत सारे रिजल्ट्स दिखा रहा होता है आपके बिहेवियर को लेके। चूंकि मैंने डिजिटल मार्केटिंग की पोस्ट को यहाँ से ओपन किया था, तो यहाँ पे जो मुझे वो रिकमेंडेशंस दे रहा है वो ऑलमोस्ट आप देखें तो सारी की सारी डिजिटल मार्केटिंग की ही पोस्ट हैं। यहाँ पे अगर मैं आप 2-3 पोस्टें आपको निकालते हैं और फिर उसको अपने मुताबिक हम एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, तो मैं यहाँ से ये ऐड न्यू पेज, एक पोस्ट मैंने ये खोल ली है और एक मैं एक और पोस्ट खोलना चाह रहा हूँ, तो ये नीचे ऐड पेज आप देख रहे हैं, मैं इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक पेज और आ गया, और यहाँ पे मैं कोई दूसरी फेसबुक की ये पोस्ट है ये मैंने ऐड कर ली, और फिर मैं एक और ऐड पेज कर रहा हूँ, तो यहाँ से मैं देखता हूँ कोई तीसरी फेसबुक की पोस्ट वो हम कैसे कर सकते हैं। तीसरी फेसबुक पोस्ट मैंने ये वाली उठा ली। अब हम तीनों पोस्टों को बनाते हैं। इसको बनाना कैसे है मैंने आपको पहले बताया था कि बहुत आसान है। अगर आप यहाँ से अगर कोई आप इसको किसी भी माउस को किसी भी टेक्स्ट के ऊपर लेके जाएंगे, किसी भी पोस्ट में तीन तरह की चीज़ें होती हैं। नंबर वन उसमें टेक्स्ट होता है, जिस तरह ये यहाँ पे ये टेक्स्ट है आप देख रहे हैं। उसके बाद इमेज होता है, जिस तरह ये वाला एक इमेज है। और उसके बाद एलिमेंट्स होते हैं, जिस तरह का ये आपको कर्व एक नज़र आ रहा है, ये एक एलिमेंट है, ये भी लगा हुआ है। आपको पता है ये एलिमेंट्स में जाके आपको शेप्स में मिलते हैं। तो शेप्स होती हैं, टेक्स्ट होता है और इमेज होता है, ये आपकी मिलके पोस्ट बना रहे होते हैं। तो ये हमने टेम्पलेट निकाल लिया है, अब हम इसको एडिट करते हैं। मैंने इस वीडियो में आपको बताना है 2-3 पोस्ट हम सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग की बनाएंगे और एक आधी पोस्ट हम फैशन या ट्रेवलिंग की बनाएंगे, ताकि आपको एग्जैक्ट फेसबुक और इंस्टा की जो पोस्ट बनाना है वो आ जाए और आप फ्रीक्वेंट डेली बेसिस पे पोस्टें बनाना शुरू कर सकते हैं।
वंस आपको यहां तक तो ये तो पता लग गया होगा कि जब आप कोई एक जॉनरा की पोस्ट यहां से निकालते हैं तो यहां पे रिकमेंडेशन में आपको आपको बहुत सारी पोस्ट ऑलरेडी दिखाना शुरू कर देता है। यहां से आप अपनी मर्जी की पोस्ट कर सकते हैं। दूसरी बात यह कि यहां पे आप ऐड पेज करके जितनी मर्जी पोस्ट आप नीचे खोल सकते हैं और किसी भी एक पोस्ट का एलिमेंट दूसरी पोस्ट में आप कॉपी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये वाला एक एलिमेंट है, मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहां से मैंने कंट्रोल सी या कमांड सी करके अगर मैं इस वाली पोस्ट में आया हूं और यहां पे मैं पेस्ट कर देता हूं तो आप कहीं पे भी वो वाला आप वो अपना पोस्ट है वो रख सकते हैं। फिलहाल मैं इसको डिलीट करता हूं। बताने का मकसद सिर्फ ये था कि किसी एक पोस्ट के अंदर जो भी एलिमेंट टेक्स्ट या बैकग्राउंड है या इमेजेस हैं वो आप किसी भी दूसरी पोस्ट में पेस्ट कर सकते हैं। चलें हम पहली वाली पोस्ट को एडिट करने की कोशिश करते हैं। चूंकि हमने बनानी है पोस्ट डिजिटल मार्केटिंग की तो सबसे पहले जो हमारा मेन टाइटल है जो प्रोडक्ट का नाम है वो डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग है। तो यहाँ पे मैं इस वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ। आपको पता है कि तीन यहाँ पे टेक्स्ट हैं लेकिन कौन सा वाला टेक्स्ट सिलेक्ट है, जैसे ही आप किसी माउस किसी टेक्स्ट के ऊपर लेके जाते हैं तो उसके गिर्द आपको एक रेक्टेंगल जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में बताया था नजर आना शुरू हो जाती है। इसका मतलब यह है कि इस वक्त कर्सर आपका इस टेक्स्ट के ऊपर है और अगर आप उसको क्लिक कर देंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट की निशानी ये है कि इसके चारों कॉर्नर पर डॉट्स आ जाते हैं जिससे आप साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं, यहाँ से छोटा बड़ा साइज कर सकते हैं। और इसी तरह अगर ये जो सेंटर में आपको एक वाइट लाइन नजर आती है इसमें आप इसको इसकी जो विड्थ है इसकी अलाइनमेंट है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, तो अभी हमने इसका यहाँ पे हमने अपनी प्रोडक्ट का नाम लिखना है तो मैं ये जो ऊपर इंग्लिश लिखा हुआ है जो स्क्रिप्ट का फॉन्ट है मैंने इसको क्लिक किया और यहाँ पे मैं इसको डबल क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ या फिर मैं इसको यहाँ से स्क्रॉल करके भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपने जो प्रोडक्ट का नाम है वो क्या है मेरा, वो हम देख लेते हैं। वो है डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग। तो यहाँ पे मैं ये लिखता हूँ डिप्लोमा इन, ओके ये वाला यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे मैं नीचे वाली लाइन को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने उस लाइन को डबल क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लिया नीचे वाली को और यहाँ पे मैं इस पे लिख देता हूँ डिजिटल। और अब ये देखिए यहाँ पे मैंने जिस तरह टेक्स्ट है उसी तरह मैंने लिख दिया है। अब नीचे मैंने मार्केटिंग कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने मार्केटिंग कर दिया है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था जिस तरह ये मार्केटिंग का लफ्ज़ ज़्यादा बड़ा हो गया है तो इसने नीचे वाली लाइन से लिखना शुरू कर दिया था। लेकिन अगर आप इसको चाहते हैं कि इसको बड़ा करें तो एक तो यहाँ से जब आप माउस सेंटर में लेके जाते हैं जो आपको वाइट डॉट ये वाला नज़र आ रहा है जब इसके ऊपर आप माउस लेके जाते हैं तो देखें आपका जो माउस है वो डबल एरो शेडेड एरो वो बन गया है। इससे पकड़ के आप इसको छोटा लाइन को या बड़ा भी कर सकते हैं तो इस तरह आपका टेक्स्ट एक लाइन में भी आ जाएगा। या इसका दूसरा तरीका ये है कि अगर आपका टेक्स्ट कुछ इस तरह आ रहा हो तो आप ये जो सेंटर में आपको एक लाइन वाइट नज़र आती है आप सिंपली इसको डबल क्लिक कर दें तो भी पूरे का पूरा टेक्स्ट आपका एक सिंगल लाइन में आ जाएगा। अब ये देखिए मैंने अपना डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग लिख दिया है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको ज़रा नीचे कर देता हूँ क्योंकि बहुत क्लोज हो गए हैं और ऊपर वाला टेक्स्ट भी जो है ये भी मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ऐसे। ओके जी, अब ये मेरा हो गया है प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक। अब मैं यहाँ पे अपनी जो डिप्लोमा का तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं जो भी उसका कैप्शन है जो उसकी पंच लाइन है मेरे ऐड की मैं वो यहाँ पे लिख देता हूँ। तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ डबल क्लिक मैंने किया और मैं यहाँ पे लिखता हूँ इन्वेस्ट 1 year एंड और दूसरी बात मैं इसको लिख के इन्वेस्ट 1 year किया मैंने और इसकी मैंने एक डुप्लीकेट यहाँ से ले ली तो दूसरा टेक्स्ट आ गया यहाँ पे। इसको मैं ऊपर कर देता हूँ ज़रा और यहाँ पे मैं इसको भी लिख लेता हूँ एंड अर्न, ये मेरा टेक्स्ट है। ये आपको आपने पहले लिख के रख लेना है ताकि जो कॉपी पहले फाइनल होती है फिर आप बहुत जल्दी टेम्पलेट को डिज़ाइन कर सकते हैं। एंड अर्न मंथली $2,000 वो मैं यहाँ पे ये इसको कर देता हूँ डॉलर का साइन मैंने डाल दिया और 2000 ये कर दिया। अब मैं इसको डिज़ाइन कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं इसका ज़रा फॉन्ट है वो मैं अलग अलग करके ये लिख लेता हूँ, ज़रा इसका फॉन्ट ज़रा थोड़ा बोल्ड रखते हैं ये भी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा तो इसको हम
ये रोबोटो कंडेंस्ड, ये अच्छा फॉन्ट है, हम इसको कर लेते हैं और इसको थोड़ा बोल्ड भी कर लेते हैं। ओके फाइन, ये बिल्कुल ठीक है। अब ये मैं इसको थोड़ा सा लाइन मिला के, अब ये मेरा बिल्कुल ठीक हो गया ये टेक्स्ट। अब इसको मैंने यहाँ पे रखा, इन्वेस्ट वन ईयर एंड अर्न मंथली। अब मैं अर्न मंथली का फॉन्ट भी वही कर देता हूँ जो मेरा ऑलरेडी था यहाँ पे, जो मैंने ऊपर वाला किया हुआ है कंडेंस्ड का, रोबोटो कंडेंस्ड। इसको भी मैं जो ऊपर वाले का फॉन्ट है वही लिख देता हूँ, और इसको भी मैंने बोल्ड कर लिया है। अब इसको इसके अंदर लगा के बिल्कुल अलाइनमेंट मैंने सेम कर दी है, और यहाँ पे 2000 एंड अर्न मंथली को थोड़ा सा मैं बड़ा अगर कर लूँ, तो यहाँ से फॉन्ट साइज है यहाँ से, अब मैं इसको यहाँ से भी बड़ा कर सकता हूँ ऐसे करके, ज़्यादा बड़ा हो गया है थोड़ा सा इतना। और अगर मैं इसको सिंपली क्लिक करके यहाँ से पकड़ के भी बड़ा करूँ, तो यहाँ से भी मैं इसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ साइज़ को। अब यहाँ से ये जो फॉन्ट है इसका फॉन्ट भी मैं वही रख लेता हूँ जो मैंने ऊपर टेक्स्ट का रखा हुआ है, और इसको भी बोल्ड कर लेता हूँ, और इसको मैं यहाँ से इसका साइज़ कम करके इसका यहाँ से साइज़ बढ़ा लेता हूँ। ओके, मैंने इसको डबल क्लिक किया तो ये एक लाइन पे आ गया है, और मैंने यहाँ पे इसको ये वाली लाइन, अब ये देखिए ऑलमोस्ट मेरी ये वाली लाइन मुकम्मल हो चुकी है। अब ये अब देखें तो ये पोस्ट मेरी बिल्कुल रेडी है। अब नीचे मैं अब रजिस्टर नाउ के लिए यहाँ पे जो इसका लिंक है मैं वो दे देता हूँ, और मैं यहाँ पे इसकी जो वेबसाइट है वो डाल देता हूँ जहाँ पे मेरी पूरी इंफॉर्मेशन है, usa.edu.pk/diploma। इसको भी मैंने एक लाइन में कर दिया। ओके, और इसका फॉन्ट भी मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, और इसका जो कैपिटल लॉक है वो मैं ख़त्म कर देता हूँ। ओके, अब ये देखें ये मेरी यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो मैंने इसी पे ही रख के, मुझे पोजीशन भी ये ठीक ही लग रही थी तो मैंने यहाँ पे कर दिया है। अब नीचे वाला जो टेक्स्ट है थोड़ा बारीक हो गया है, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको कोई और फॉन्ट यूज़ कर लेता हूँ जो यहाँ पे मुझे बेहतर लगे। ओके जी, ये बेहतर लग रहा है फॉन्ट, तो मैंने इसको यहाँ पे कर लिया, और इसका साइज भी यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ। अब रजिस्टर्ड नाउ के पीछे भी मैं कुछ टैब लगा देता हूँ ताकि इसको मैंने रजिस्टर्ड करवाना है, तो मैं यहाँ पे एलिमेंट को ऐड कर देता हूँ। एलिमेंट में जाके मैं यहाँ से ये एक रेक्टेंगल ली है, और इसको मैंने यहाँ से थोड़ा सा छोटा करके इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, और इसका जो साइज़ है जो ये हमने यूज़ किया हुआ पोस्ट के अंदर से, मैं वही पोस्ट के अंदर से साइज़ दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे साइज़ पे बता दूँ कि जब आप कोई भी प्रोजेक्ट खोलते हैं तो इस प्रोजेक्ट के अंदर किसी एक फाइल के अंदर जितने भी कलर यूज़ किए जाते हैं, जो भी कलर यूज़ आपने किया हुआ है या टेम्पलेट्स के अंदर यूज़ ऑलरेडी हुआ हुआ है, वो सारे के सारे आपको डॉक्यूमेंट कलर के अंदर वो नज़र आते हैं। इस तरह आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि इस फॉन्ट के अंदर, इस पेज के अंदर या इस पोस्ट के अंदर कौन से कलर यूज़ किए हुए हैं, तो आपको डॉक्यूमेंट कलर के अंदर ही वो सारे के सारे कलर मिल रहे हैं। अगर आप गौर करें तो ये सारे कलर इसके अंदर से मौजूद हैं, और यही हमने यूज़ किए हैं। अब मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, और ये रजिस्टर नाउ को और ये इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, और दोनों को मैंने सेलेक्ट करके अब ये रजिस्टर नाउ को मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर दूँ, तो मैं इसको वाइट कर देता हूँ। ओके जी, ठीक हो गया। अब ये देखें हमारा बिल्कुल जो कलर है वो बिल्कुल गया, अब रजिस्टर्ड भी हो गया है। अब ओवरऑल मैं दोनों को सेलेक्ट करके थोड़ा सा इसका साइज छोटा कर रहा हूँ। अब ये मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ क्योंकि बहुत ही ये, और ये लेफ्ट अलाइन भी मैंने कर दिया है। अब यहाँ पे आप नाम लिख सकते हैं, आप कंपनी का नाम आप लिख सकते हैं, या आप लोगो लगा सकते हैं। तो चूंकि यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया का ये प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे मैं यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया लिख सकता हूँ, और इसका लोगो भी लगा सकता हूँ। लोगो लगाने के लिए अगेन आपने यहाँ से अपलोड में जाना है, जहाँ पे भी आपका लोगो पड़ा होगा वहाँ पे आप जाएंगे। ये मैंने लोगो उठाया यहाँ से, और ये यहाँ पे अपलोड हो रहा है। सबसे पहले ये ऑनलाइन अपलोड होगा, उसके बाद आपने अपनी फाइल में यूज़ करना है। अगर अभी आप यूज़ करेंगे तो थोड़ा आपकी फाइल
करप्ट भी हो सकती है। अब ये यहाँ पे प्रॉपर पूरी तरह अपलोड हो गया है, अब आपने इसको यहाँ से पकड़ना है और आप यहाँ पे इसको आप ड्रॉप कर सकते हैं। आप इसको साइज़ के मुताबिक अगर आप छोटा कर लें जितना भी आपने रखना है। मैं इसको यहाँ से ये उड़ा रहा हूँ और ये मैंने टेक्स्ट यहाँ से पकड़ा और ये मैंने ये पोस्ट यहाँ पे लगा दी। ओके, अब आप कंपनी का नाम लिखना चाहें या यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया नीचे लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखें अब मेरी पोस्ट बिल्कुल ये मुकम्मल हो गई है, ये बिल्कुल अब मैं रेडी हूँ, इसको अपलोड मैं कर सकता हूँ। इसी तरह हम एक दूसरी पोस्ट देख लेते हैं। इसी तरह मैंने एक ये वाली पोस्ट निकाली थी, तो इसको भी हम देख लेते हैं कि ये किस तरह हमने इसको यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि आप लिख सकते हैं डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस वाले डिप्लोमा को मैं फॉन्ट वो पहले वाला यूज़ कर लूँ तो वो भी बेहतर है। वैसे डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग मैं इसको करता हूँ चेंज, डिप्लोमा इन, और यहाँ से मैंने इस वाले साइज़ को मैंने डबल क्लिक किया। मैंने आपको बताया जब आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये एक ही फॉन्ट में हो जाएगा। और यहाँ से फॉन्ट मैं स्क्रिप्ट का ले लेता हूँ, स्क्रिप्ट के फॉन्ट बड़े अच्छे फॉन्ट होते हैं। इस तरह ये है फॉन्ट, बहुत अच्छा फॉन्ट है ये, इस फॉन्ट को मैंने पकड़ा है और इसको मैं डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये बिल्कुल ठीक हो गया है। यहाँ पे मैं अपना जो लोगो है वो यूज़ कर सकता हूँ। मुझे ये इमेज थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा तो मैं इमेज कोशिश करूँगा कि मैं चेंज कर लूँ, ये मुझे पसंद नहीं तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे जो भी आपने कैप्शन लिखना है यहाँ पे आप लिख लें अर्न इन डॉलर्स, अर्न इन डॉलर्स एंड लिव लाइफस्टाइल ऑफ रिच एंड मैं दूसरा लिख लेता हूँ ये वाला एंड फेमस। अर्न इन डॉलर्स हम यहाँ से एंटर कर लेते हैं एंड लिव अ लाइफस्टाइल ऑफ, यहाँ से ये भी छोटा कर लेते हैं हम। अब ये सारे का सारा यहाँ पे ये मैं सारे सेलेक्ट करके इसको राइट लाइन रखता हूँ, मुझे लगता है कि राइट लाइन में ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैंने इनको सेलेक्ट किया और इनको सेलेक्ट करके मैं इसको यहाँ से इस तरफ यूज़ करता हूँ। ओके, इधर हम कोई इमेज भी अपना अच्छा लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैं चाह रहा हूँ कि अर्न इन डॉलर्स जो है वहाँ पे इनको मैं गोल्ड कर दूँ थोड़ा। ओके, एंड रिच एंड फेमस है जो, मैं इनको भी यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको भी गोल्ड कर देता हूँ। और अर्न इन डॉलर्स को का मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ, जो मेरे फॉन्ट पोस्ट में यूज़ हुआ हुआ है वो ये वाला फॉन्ट है, ये मैं इसको यहाँ पे ये लगा देता हूँ। अब यहाँ पे मैं अपनी कंपनी का लोगो, जो मुझे ये तो पसंद नहीं है, इसको मैं डिलीट करता हूँ। तो मैं अपनी कंपनी का लोगो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है, मैंने यहाँ पे इसको ये रखा और यहाँ पे इसको थोड़ा सा छोटा करके मैंने इसको तकरीबन इसकी लाइन अलाइन जो मैंने की है राइट लाइन इसके मुताबिक यहाँ पे ये पोस्ट रख दी। और यहाँ पे मैं इस यूनिवर्सिटी का नाम भी लिख सकता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया। अब मैंने इसको डबल क्लिक किया और यहाँ से मैं इसको एंटर कर देता हूँ और साउथ एशिया को भी मैं कैपिटल ही लिखता हूँ, इसको बोल्ड कर लेता हूँ और इसका फॉन्ट थोड़ा साउथ एशिया का वो मैं बड़ा कर लेता हूँ। ओके, अब ये हो गया है। अब मैं इस सारे को छोटा भी कर रहा हूँ और यहाँ से मैंने टेक्स्ट लिया और मैंने यहाँ पे रख दिया। डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग को जो थोड़ा सा मैंने लिया है इसको भी सिलेक्ट करके तीनों को मैंने डिप्लोमा को सिलेक्ट किया, शिफ्ट को प्रेस किया, मैंने डिजिटल को सिलेक्ट कर लिया और मैं इनको अब थोड़ा नीचे कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा स्पेसिंग का इशू है। अब ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। अब यहाँ पे मैं कोई अपना इमेज भी यूज़ कर सकता हूँ। अब किसी फ्रेम के अंदर मैं इमेज यूज़ करना चाहूँ तो मैं फ्रेम भी यूज़ कर सकता हूँ।
वरना मैं कोई इमेज अगर वैसे भी यूज़ करना चाहूँ तो ये यूज़ कर सकता हूँ। अगर ये वाला इमेज मुझे बेहतर लग रहा है, अगर ये इमेज मैं यहाँ पे रखूँ और इसको हम बड़ा कर लें इमेज को ऐसे, और इस इमेज को यहाँ पे हम थोड़ा सा छोटा कर लें, ओके। अब ये वाला इमेज अगर बैकग्राउंड के साथ आप यूज करना चाहें तो बैकग्राउंड के साथ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं इसका बैकग्राउंड नहीं चाह रहा हूं, तो मैं इस पिक्चर को सिलेक्ट करके एडिट इमेज में जाऊंगा। यहां से देखें एडिट इमेज है, मुझे ये जो येलो है ये नहीं चाहिए, मैं चाह रहा हूं जो मेरे पोस्ट का जो कलर है मूव कलर उसी के अंदर ये पिक्चर है। तो यहां से मैं इसका, यहां पे एक आपको ऑप्शन मिलता है बैकग्राउंड रिमूवर, यहां पे जो भी आपका पीछे बैकग्राउंड इमेज के पीछे जो जिस कलर का भी बैकग्राउंड हो जाएगा होगा ये रिमूव कर देगा। तो यहां पे मैंने इसको क्लिक किया, ये थोड़ा सा प्रोसेस होगा इसका और उसके बाद ये आपको बैकग्राउंड रिमूव करके आपको पोस्ट आपके पास आ जाएगी जो आप अपनी मर्जी से यूज कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे उसने पोस्ट आपको बना के दे दी है, अब मैं इस पोस्ट को अपनी मर्जी से सेट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने पोस्ट रखी, उसके बाद ये नीचे वाला जो टैब है थोड़ा सा इसको भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं ताकि उसके अंदर ही आ जाए। अब ये मेरी पोस्ट बिल्कुल ठीक हो गई है, यहाँ पे मैं इसकी वेबसाइट लगा रहा हूँ। आपने सिर्फ ये देखना है कि मैं कितनी जल्दी जो टेम्पलेट को यूज करके अपनी पोस्ट बना रहा हूं। ये मेरी वेबसाइट आ गई है और यहां पे मैं अपना नंबर जो भी है वो दे दूंगा और यहां पे मेरी पोस्ट बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी है। यहां पे ये जो लोगो आपको नजर आ रहा है मैं मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, तो इस लोगो को अगर मैं यहां पे यूज कर लूं और यहां पे मैं टेक्स्ट इधर यूज कर लूं तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। इस तरह भी देखें, अब आपकी पोस्ट बिल्कुल रेडी हो गई है। तो पहली पोस्ट हमने ये वाली की थी, ये आपकी बिल्कुल पोस्ट रेडी है, उसके बाद हमने एक पोस्ट ये बना ली थी। अब ये दो पोस्टें आपकी बिल्कुल रेडी हो जाती हैं, बिल्कुल 2 से 4 मिनट में आप अपनी पोस्ट बड़ी अच्छी बना सकते हैं। यहाँ पे जो भी आपका नंबर है, नंबर मैंने नहीं डाला था तो वो नंबर भी इधर डाल देते हैं, 0311-711-111-2, ये नंबर आ गया जी, ये आपका बिल्कुल रेडी हो गया। मैं इस पर थोड़ा सा राइट लाइन भी कर लूँ, थोड़ा सा जितना लेफ्ट पे आपने छोड़ा है मार्जिन उतना ही मैंने राइट पे छोड़ा है। अब ये पोस्ट आपकी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अगर आप इसका कोई कलर चेंज करना चाहें तो अपना अपनी मर्जी से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह अब हम तीसरी पोस्ट बनाते हैं। ये बहुत देखा आपने, 2 से 3 पोस्ट बनाने का मकसद सिर्फ यही है ताकि आप अपनी पोस्ट को बड़ा अच्छे से इसको बना सकें और इसको जल्दी जल्दी अपने पेज पे आप पोस्ट भी कर सकें। अब आपने करना क्या है, चलें यहाँ पे मैं अगेन डिजिटल मार्केटिंग डिप्लोमा है, मैं डिप्लोमा का फॉन्ट वही रख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं जो फॉन्ट है यहाँ पे मैं चेंज किया, मैंने डिप्लोमा इन ये मैंने ऑलरेडी जो लिखा हुआ था, और आपको बताया इसको सिंगल लाइन करने के लिए जो सेंटर में एक आपको लाइन नजर आती है आपने इसी को यहाँ पे क्लिक करना है और इसका फॉन्ट भी चेंज कर लेते हैं, मुझे ये पसंद नहीं है। अगर आपको ठीक लगता तो आप यूज़ कर लें, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। तो मैं जो पहले फॉन्ट हमने स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था उसमें थोड़ी फील बेहतर आ रही थी, मैं वो यूज़ करना चाह रहा हूँ इसके साथ। तो मैं यहाँ पे फॉन्ट वाले पैनल में गया और यहाँ से मैंने फॉन्ट जो लिखा हुआ था वो था हमारा प्लेलिस्ट स्क्रिप्ट, उसका नाम था ये वाला, और वो बोल्ड भी मैंने यहाँ से इसको ख़त्म कर रहा हूँ। दोबारा यहाँ पे लिख लेते हैं डिप्लोमा, इसका कैप्स लॉक हम ऑफ कर देते हैं, कंट्रोल कमांड ए करके मैंने लिखा डिप्लोमा इन। अब इसका कलर भी थोड़ा चेंज कर लें, मुझे थोड़ा कलर भी अजीब सा लग रहा है तो हम इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं। कौन सा वैसे रखें आप, ये वाला कलर भी ठीक, वैसे बेहतर कलर लग रहा है आपको, अगर आपको ये ठीक लग रहा है तो आप ये यूज़ कर लें, मुझे ठीक लग रहा है। तो मैं इस पोस्ट को थोड़ा सा यहाँ पे सेट कर रहा हूँ और डिजिटल मार्केटिंग में नीचे लेके आ रहा हूँ इधर। तो यहाँ पे मैं डिप्लोमा का जो फॉन्ट था मेरा उसको मैंने यहाँ पे लिखा, हल्का सा फॉन्ट थोड़ा मैं छोटा कर रहा हूँ, का फॉन्ट का कलर आपको मैंने बताया था कि जब भी आप कोई पोस्ट खोलते हैं उसके अंदर जितने भी कलर यूज किए जाते हैं वो ग्रेडियंट में हो, वो सॉलिड कलर हो, वो कोई कॉम्बिनेशन हो, वो बाइनरी कलर हो, वो ट्रिपल कलर हो, वो सारे के सारे आपको
एक डॉक्यूमेंट कलर का आपको एक ऑप्शन मिल रहा होता है, वो कहाँ पे मिलता है, जब भी आप जो फॉन्ट का जो पैनल है, जो टेक्स्ट का जो पैनल है, टेक्स्ट कलर, आप उसको क्लिक करते हैं तो पहला जो आपको पैनल नजर आ रहा था वो डॉक्यूमेंट कलर्स का नजर आ रहा होता है। इसका मतलब ही यही होता है कि इस पोस्ट के अंदर ऑलरेडी बाई डिफॉल्ट जितने भी कलर इस्तेमाल किए गए हैं वो सारे के सारे आपको इस एक जगह पे मिल जाते हैं, आपको फर्दर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग का कलर मैं वो चेंज कर देता हूँ जो मुझे पहले बेहतर लग रहा था, और यहाँ से जो मेरा टेक्स्ट है वो भी मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ क्योंकि मैंने अपने डिप्लोमा को एनहांस करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लाइन कोई प्रॉमिस योर सेल्फ अ प्रॉमिसिंग फ्यूचर। चलिए मैं यही लिखता हूँ, इसका मैं फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, तो मैं अलाइन सेंटर लाइन कर लेता हूं। इसका कलर भी मैं यहां से चेंज कर लेता हूं, मुझे कलर बेहतर नहीं लग रहा तो मैं इसको थोड़ा डार्क कलर में लिखना चाह रहा हूं, तो मैं इसको यहां से डार्क कर देता हूं। उप्स, ये ऊपर वाला कलर भी चेंज हो गया, मैं वापस इसको चेंज कर रहा हूं कलर इसका। डिप्लोमा मैंने सेलेक्ट किया और ये वाला कलर मैंने चेंज किया था। ओके, ठीक हो गया। अब यहां पे मैं इसका फॉन्ट थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं और इसको मैं अलाइन कर देता हूं लेफ्ट। यहाँ पे ज्वाइन नाउ का कलर है, अगर आप ये चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। मुझे सिर्फ टेक्स्ट का कलर अगर मैं चेंज कर दूं तो मुझे लग रहा है ये बेहतर हो जाएगा। ओके, ये भी बेहतर है। अब यहाँ पे आप लोगो लगाना चाहें तो आपको मैंने पता आप पोस्ट के ऊपर से भी लोगो को उठा के कॉपी करके आप दूसरी पोस्ट के अंदर पेस्ट कर सकते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे मेरा जो लोगो है वो आ चुका है। तो यहाँ पे मैं अब यूज कर रहा हूँ पोस्ट का कलर यहाँ पे, और यहाँ पे मेरी अब ये देखें तीसरी पोस्ट बिल्कुल रेडी है। अगर आप इमेज चेंज करना चाहें, इमेज वैसे ठीक है, बुरा नहीं है, लेकिन चलें इमेज भी हम चेंज कर लेते हैं। तो इमेज चेंज करने के लिए मैंने आपको बताया था आप एलिमेंट्स के अंदर जाएंगे और एलिमेंट्स में दूसरा ऑप्शन है आपके पास फोटोज का, वहां पे आपको बिल्कुल रेलिवेंट इमेजेस मिलते हैं। तो मैं एलिमेंट्स में गया और यहां से आप नीचे जाएं तो यहां पे आपको मिलेंगी फोटोज। आप इस पैनल में जाएंगे और यहां आप लिखेंगे डिजिटल मार्केटिंग, तो आपको जितने भी इमेजेस यहां पे नजर आ रहे होंगे वो यहां सारे के सारे डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से भी हैं। और यहां पे आप जो भी आपको पिक्चर पसंद है आप उसको उठाएं और उसको यहां पे चेंज कर सकते हैं। अब ये देखें मैंने तीन पोस्ट यहां पे बिल्कुल बना दी हैं, हमने विद इन फ्यू मिनट्स ये तीन डिजिटल मार्केटिंग की पोस्ट बना ली हैं। ये हमने पहली पोस्ट बनाई थी, उसके बाद ये दूसरी पोस्ट बनाई और फिर हमने ये तीसरी पोस्ट बनाई। तो यहाँ पे तीनों हमारी पोस्ट यहाँ पे मुकम्मल हो गई हैं। यहाँ पे एक चीज़ की कमी है वो मैं दोबारा कर देता हूँ, वो क्या है, हमने वेबसाइट नहीं लगाई। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल लेफ्ट लाइन करके मैं इसकी यहाँ पे वेबसाइट ऐड कर देता हूँ, www.usa.edu.pk, और इसका कलर मैं वाइट कर देता हूँ या आप कलर आप थोड़ा सा मैं गोल्डन रख रहा हूं कलर, बल्कि व्हाइट ही थोड़ा सा कर लेते हैं, यही कलर रख लेते हैं। ओके, ये कलर मैंने रखा और यहां पे मैंने इसकी वेबसाइट लगा दी। अब आपकी तीन पोस्ट बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। अब आपने क्या करना है, आपको सिंपल पता है हर दफा हम क्या करते हैं, जब भी पोस्ट बना लेते हैं तो हम इसको डाउनलोड करेंगे ताकि हम अपने प्लेटफॉर्म पे इसको शेयर कर सकें। उसके लिए आपको टॉप पे कॉर्नर पे, राइट टॉप कॉर्नर पे आपको एक टैब नजर आता है शेयर का, आप इसको प्रेस करेंगे। अब आपने चूंकि तीन पोस्ट बनाई है, तीन पोस्ट करने के लिए आपको नीचे एक डाउनलोड का टैब नजर आ रहा है, आप इसको क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलेगा फाइल टाइप, आई मीन उसका फॉर्मेट क्या होगा। फॉर्मेट से मुराद ये है यहाँ पे आपने जेपैक निकालना है। जेपैक आइडियली अच्छा है पोस्टिंग के लिए, बहुत अच्छा है। पीएनजी बहुत ही अच्छा है क्योंकि पीएनजी के में सिर्फ क्वालिटी इनहांस होती है और उसका साइज भी बढ़ जाता है। अगर आपने मल्टीपल पर्पसेस के लिए यूज करना है तो मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा, सजेस्ट यही करूंगा कि आप पीएनजी यूज करें। लेकिन अगर आपने अपना मुताबिक 1080x1080 जिस तरह हमने साइज लगाया था और वही साइज आपने आगे यूज करना है तो आप जेपैक निकाल लें, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से मैं जेपैक सेलेक्ट कर लेता हूं।
साइज मेरा आपको यहाँ पे ऑलरेडी मुझे नजर आ रहा है कि कितना है। क्वालिटी मैंने यहाँ पे लार्ज रखी हुई है। अब यहाँ पे चूंकि तीन पेजेस मैंने बनाए थे तो आपने यहाँ पे मार्क करने हैं कि किस पेजेस की आपको जेपेक चाहिए, किन किन पेजेस की आपको जेपेक चाहिए। यहाँ पे ऑल थ्री लिखा हुआ है, अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑल थ्री को अनचेक कर देंगे। अगर आप इंडिविजुअल किसी एक पेज की जेपेक चाहिए तो आप सिंपली इसको क्लिक कर देंगे। बट मुझे तीनों पोस्ट चाहिए थी तो मैं यहाँ पे ऑल थ्री पेजेस को यहाँ पे चेक करता हूँ और यहाँ से डन किया। अब ऑलमोस्ट आपका काम हो चुका है। अब सिंपली आपने यहाँ से डाउनलोड प्रेस करना है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा इसको कंपाइल करने में, इसकी रेंडरिंग में और इसको एक्सपोर्ट करने में, कि देन आपको जेपेक के अंदर तीनों फॉर्मेट अलग अलग से दे देगा। यहाँ पे इसने डाउनलोड कर दिया है। अभी हम देखते हैं कि इसने क्या किया है। अब ये आपके सामने तीनों पोस्ट आ चुकी हैं। नंबर वन पोस्ट हमने ये बनाई थी है, क्वाइट गुड, ये भी अच्छी है और तीसरी भी अच्छी है। अब ये देखिए हमने कितने थोड़े टाइम में अपनी तीन पोस्ट रेडी कर ली हैं। तीन पोस्टें आपको मैंने डिजिटल मार्केटिंग की डिजाइन करके दे दी हैं। तो उम्मीद है आपको डिजिटल मार्केटिंग की तो समझ आ गई होगी कि इसकी आपने फेसबुक और इंस्टा की चूंकि एक ही साइज होता है तो पोस्ट कैसे बनानी है। अब आपने जितनी ज्यादा इस पर प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा अच्छा आपका हाथ हो जाएगा। चले मैं आपको इसके अलावा कुछ जॉनरा है, जिस तरह हम कुछ कोई एक इस्लामी पोस्ट डिजाइन कर लेते हैं जुमा की या रमजान की या कुछ इस तरह की मुहर्रम की, और एक कोई ट्रैवलिंग की या किसी फूड वगैरह की हम पोस्ट को ही देख लेते हैं। उसको कैसे करना है ये देखें। मैं सर्च बार में मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपना फेसबुक पोस्ट। आप अगर लैंडस्केप लिख दें तो आपको ये लैंडस्केप में भी दे देगा। अभी जो हमने जितनी पोस्टें बनाई हैं वो हमने बिल्कुल रेक्टेंगल में जो 1080x1080 थी वो वाली बनाई थी। फेसबुक लैंडस्केप ये मैंने एंटर किया। आपको इसी तरह सर्च मार के जिस तरह ये देखें ये एक लैंडस्केप में आपको पोस्ट मिल गई है, ये एक रमज़ान की लैंडस्केप पोस्ट मिल गई है और ये आपको डिजिटल मार्केटिंग की मिल गई है। चलें इन्हीं दोनों को ही हम देख लेते हैं। तो जिसको भी आपने करना बनाना है तो उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जाके अगर आप देखें तो रमज़ान करीम की पोस्ट है, इसको मैं क्लिक करता हूँ। ये आपके पास इसी तरह के बिल्कुल रेलिवेंट आपके पास वो दो तीन, इसने जो दो तीन ही बल्कि बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं वो आपको दे दिए हैं। वो सारे के सारे अगर आप देखें तो लैंडस्केप में भी आपके पास मिल रहे हैं और कुछ पोर्ट्रेट में भी आपके पास ये मौजूद हैं। तो जो आपको ठीक लगे, आप इसी को एडिट करना चाह रहे हैं तो हम इसी को एडिट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आप कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पर जाऊँगा, इसको क्लिक करूँगा और ये मेरी पोस्ट जो है ये एडिटेबल फॉर्म में आ जाएगी। मैंने आपको बताया था ये आपकी पोस्ट है, ये ऑलरेडी बहुत अच्छी है, फॉन्ट भी बड़ा अच्छा है। तो आप थोड़ा चेंज करना चाह रहे होंगे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मैं इसका टेक्स्ट चेंज करता हूँ। इसका मैं टेक्स्ट कर देता हूँ जुमा तुलविदा। या रमजान करीम कर देते हैं, रमजान मुबारक। ये मैंने टेक्स्ट इसका लिख दिया है। अब इसको मैंने सेलेक्ट करके डबल क्लिक करके कंट्रोल करके सेलेक्ट कर लिया और यहां से इसकी जो स्पेसिंग है वो मैं थोड़ी बढ़ा लेता हूं और यहां पे मैं डबल क्लिक करके इसको एक लाइन में कर लेता हूं। अब यहां से इसको मैं सारा छोटा कर लेता हूं, रमजान मुबारक। और अब मैं इसको जहां पे भी आप रखना चाह रहे हैं इसको मैंने सेलेक्ट किया है और इसको जहां पे आप रखना चाह रहे हैं वो आप रख लें। ओके, अब नीचे कुछ आप जो भी इसका टैगलाइन आप यूज करना चाह रहे हैं वहां पे आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे और पेस्ट कर देंगे। अब इसको सिंगल लाइन में लाने के लिए आपको या तो आपको मैंने बताया था ये जो सेंटर वाली लाइन है आप इसको पकड़ के बड़ा करेंगे तो इस तरह करके आपके पास ये बड़ी पोस्ट आ जाएगी। और इसका आप फॉन्ट छोटा कर लें और इसको आप जहाँ पे भी रखना चाह रहे हैं इसकी प्लेसमेंट वो आप यहाँ पे रख लें। ये रमजान करीम वाली जो पोस्ट है टेक्स्ट थोड़ा सा मैं ऊपर कर रहा हूँ ऐसे, और यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ। और इसका मैं कलर थोड़ा सा चेंज करना चाह रहा था तो मैं इसका कलर थोड़ा सा गोल्डन में कर देता हूँ। और इसका जो फॉन्ट स्टाइल है वो भी अगर आप चेंज करना चाहें तो वैसे कर सकते हैं। मैं इसका फॉन्ट स्टाइल थोड़ा सा चलें ये वाला फॉन्ट ये ज़्यादा मुझे बेहतर लग रहा है, इसको हम रखते हैं। और इसको मैं अब यहाँ पे सेट कर लेता हूँ ऐसे। और अब ये मेरी देखें पोस्ट बिल्कुल रेडी हो गया। अब एक चीज़ आप अगर इसके अंदर पीछे जो इमेज आप देख रहे हैं वो अगर आप इमेज चेंज करना चाहें, देखें ये एक इमेज है, ये अपनी मर्जी से आप जो भी करना चाहें वो चेंज कर सकते हैं। मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ और
अगर आप इसके अलावा कोई इमेज यूज करना चाहें तो आपने उसी तरह एलिमेंट्स में जाना है। एलिमेंट्स में जाके जिस तरह हमने पिछली दफ़ा देखा था कि फोटोज़ के अंदर इसके सारे एलिमेंट्स आपको मिल जाते हैं, तो आप अगर ग्राफिक्स में जाएंगे ना, जिस तरह पहले हमने तस्वीरें सारी इधर फोटोज़ में देखी थी, लेकिन अगर आप ग्राफिक्स के अंदर यहाँ पे जाएंगे, ये आगे हम लेक्चर में बड़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्स, मैं सिर्फ जो जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपको साथ साथ बता रहा हूँ। तो आपने यहाँ पे ग्राफिक्स में जाना है, तो ग्राफिक्स में जाके यहाँ पे आप लिख सकते हैं इस्लामिक, यहाँ पे मैंने लिखा, तो ये इस्लामिक चीज़ें देखें आपके पास बड़े अच्छे, आपके पास कुछ डिज़ाइन आ गए हैं, आप इनको बड़ा अच्छा यूज़ कर सकते हैं और आप इसकी कोई अच्छी लुक भी बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने ये अगर एक मून है मेरे पास, ये मुझे अच्छा लग रहा है, तो इसको मैं अब यूज़ कर सकता हूँ यहाँ से, और इसको फिर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और इसको अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे लगा दिया। आप इसको यहाँ से हल्का सा रोटेट भी कर सकते हैं, जहाँ पे भी आप रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। और मैं अगर इसकी इसको दूर दिखाना चाहता हूँ, तो मैं इसको एक तो पहले छोटा कर लूँगा इधर यहाँ से, या इधर ही करके दूर दिखाते हैं, छोटा कर लूँगा, और फिर यहाँ से मैं इसकी ओपेसिटी यानी कि ट्रांसपेरेंसी नज़र कितना आएगा, यहाँ पे ये एक ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है ट्रांसपेरेंसी का, आप इसको क्लिक करेंगे, यहाँ से आप इसकी ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं कि ये कितना नज़र आएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा मध्यम कर देता हूँ, यानी कि इसकी विजिबिलिटी थोड़ी कम कर देता हूँ, ताकि आपको ये दूर का इम्पैक्ट नज़र आए। तो अब ये देखें, ये इस तरह का कुछ हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखें, बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत एलिमेंट्स हैं, आप ये यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको क्लिक किया, तो इस वाले एलिमेंट को भी अगर आप यूज़ करना चाहें तो मैं इसको यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। ये देखें, बड़ी अच्छी एक आपको एक लुक आती है, और मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला एलिमेंट मैं इस तरफ से भी यूज़ करूँ, तो मैं यहाँ पे इसको सेट करके मैंने इसकी पहले ली डुप्लीकेट, ये डुप्लीकेट आ गई है, और यहाँ से मैं फ्लिप करके इसको हॉरिजेंटल फ्लिप कर देता हूँ। तो अब ये देखें, मेरे पास बिल्कुल हॉरिजेंटल आ गया, और मैं इसको पकड़ के अब यहाँ पे लगा लेता हूँ। अब ये मेरा पोस्ट बिल्कुल रेडी हो गया है। यहाँ पे ये टेक्स्ट मैं उड़ा देता हूँ, ये भी थोड़ा सा मैं और छोटा कर लूँ ऐसे, और यहाँ पे ये वाला टेक्स्ट है ये भी मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, और आप इसको अब अपनी मर्जी से पेस्ट कर लें। तो देखिए, ये आपकी पोस्ट बिल्कुल रेडी हो गई है। इसी तरह हम कोई और पोस्ट भी देख लेते हैं। मैं ऐड पेज करता हूँ, तो ऐड पेज में अगर हम ये डिज़ाइन में जाएंगे, तो यहाँ पे सारे टेम्पलेट्स मौजूद हैं, जिस किस्म का भी आप डिज़ाइन यहाँ पे लेना चाह रहे हैं। तो मैं एक पोस्ट कोई फूड की चले हम देख लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फूड, तो यहाँ पे ये फूड की पोस्ट मेरे पास आ गई हैं। बड़ी अच्छी ये पोस्ट हैं, बड़ी मज़े की हैं सारी। आप जो भी आपको बेहतर टेम्पलेट लगता है वो आप यूज़ कर लें। चलें, ये वैलेंटाइन का कुछ लग रहा है, तो मैं इस वाली पोस्ट को यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे देखें, अब ये वाली पोस्ट आ गई है, इसका भी मैं यहाँ से फॉन्ट अपना चेंज कर सकता हूँ, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, या बल्कि इसका कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, और मैं इसके कलर को गोल्डन कर देता हूँ और थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। और ये फूड पोर्शन है, इसको भी थोड़ा सा मैं छोटा कर रहा हूँ, और इसको थोड़ा ऊपर करके, इसका जो फॉन्ट है वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, वो यहाँ से मैं चेंज कर रहा हूँ। इसका फॉन्ट हम रखते हैं, रोबोटो कंडेंस्ड, ये भी बेहतर फॉन्ट है, ये हम रख लेते हैं, ये उससे बेहतर फॉन्ट है, और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से साइज़ छोटा कर रहा हूँ। इसका कलर वाइट ही है, तो चलें आप वाइट ही रख लें। अगर आप इसको कलर को कोई और कलर देना चाहें, आप कोई ऐसा कलर देना चाहें जो इस पोस्ट के अंदर सारे यूज़ हुए हैं, तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स कलर नज़र आ रहे हैं, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट्स कलर वो हैं जो उस पोस्ट के अंदर कहीं पर भी यूज़ हुए हैं, ये सारे वो वाले कलर हैं। यहाँ से भी आप अपनी मर्ज़ी का कोई कलर ले सकते हैं, और अगर इसमें से अगर आप कलर नहीं लेना चाहें, कोई दूसरा लेना चाहें, तो आप बाहर से भी वो कलर ले सकते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पे ये टेक्स्ट लगा दिया है, तो ये आपका कलर चेंज हो गया है। अब यहाँ पे ये वाला टेक्स्ट है, जो फॉन्ट है, इसका भी मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा फॉन्ट स्टाइल, तो मैं इसको भी ज़रा चेंज कर रहा हूँ, मैं इसको ओके। अब अगर आप चाह रहे हैं कि ये वाला इमेज आप ये वाला मैं चेंज कर दूँ वैलेंटाइन का, तो यहाँ पे आपको मैंने बताया एलिमेंट्स में आप जाएंगे, और यहाँ पे आपको मिलेंगी फोटोज़, जहाँ से हम हमेशा फ़ोटोज़ चेंज कर रहे हैं, फ़ोटोज़ आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फ़ोटोज़ पे गया, और यहाँ पे लिखता हूँ वैलेंटाइन। अब ये सारे मेरे पास जो बैकग्राउंड्स आए हैं वो वैलेंटाइन के आ गए हैं, आप इनमें से भी कोई बैकग्राउंड अपनी मर्ज़ी का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा एलिगेंट हम एक बैकग्राउंड यूज़ करें, ये वाला एक बैकग्राउंड है, मैंने इसको उठाया है और इसको
यहाँ पे मैं रख देता हूँ। अब ये देखिए मैंने अपना बैकग्राउंड चेंज कर लिया है। अब इस हिसाब से अगर आप कलर ऊपर वाले फ़ॉन्ट का चेंज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। अब ये मुझे ब्लैक ऊपर रिडेबल नहीं लग रहा था तो मैं इसको अब वाइट कर देता हूँ, और ये वाला जो फॉन्ट है इसको भी मैं थोड़ा बेहतर कर लेता हूँ। इसको हम करते हैं ये वाला, ये ज्यादा बेहतर लग रहा है, और मैं इसको थोड़ा बड़ा भी कर लूंगा। ओके, तब ये प्रमोशन वाले फॉन्ट को थोड़ा सा मैं नीचे कर रहा हूं, और यहां पे ये जो नीचे वाला टेक्स्ट है ये भी अब रीडेबल नहीं है तो मैं इसका भी कलर को चेंज कर लेता हूं, या इसकी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं हम। चलिए मैं इसकी कलर चेंज कर देता हूँ। इसका कलर अगर हम ब्लैक रखें तो ब्लैक भी पढ़ा नहीं जाएगा, इसका कलर भी हम गोल्डन कर देते हैं। ओके, ये देखें इस तरह आपने इमेज चेंज कर लिया। और अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर कोई ग्राफिक्स और ऐड कर दें तो उसी तरह एलिमेंट में आपने जाना है, जिस तरह आप यहाँ पे फोटोज में गए थे आपने अब जाना है ग्राफिक्स के अंदर। तो ग्राफिक्स के अंदर जब आप जाएंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे वैलेंटाइन, तो अब वैलेंटाइन के ग्राफिक्स ही आपको देना शुरू कर देगा। अब ये ग्राफिक्स बड़े मजे के होते हैं, यहाँ पे आप वो वाले सारे यूज कर सकते हैं। जिस तरह ये वाला एलिमेंट है ये ऑलरेडी किस तरह का यूज हुआ हुआ है, तो यहाँ पे मैं हैप्पी वैलेंटाइन इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसका कलर मैं अपनी मर्जी से वाइट रखा मैंने, और इसको मैं यूज करता हूँ। इसको हल्का सा मैंने छोटा कर लिया है और इसको मैं यूज कर लेता हूँ कहीं पे यहाँ पे, और जो इससे पहले ये वाला इमेज लगा हुआ है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और ये वाला जो हैप्पी वैलेंटाइन है इसको मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। ये अच्छा लग रहा है। अब ये देखें इस तरह करके बेशुमार यहाँ पे ग्राफिक्स हैं, आप वो अपनी मर्जी से वो ग्राफिक्स भी आप यूज कर सकते हैं, और अपनी फेसबुक की जो पोस्ट है वो आप बना सकते हैं। इसी तरह अगर आपने कोई कोट बेस्ड, यानी कि कोई बात, कोई जिस तरह इंस्पिरेशनल कोट्स होते हैं उस तरह की कोई पोस्ट चाहिए तो मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। आपने यहाँ पे ऐड पेज पे जाना है और डिज़ाइन में जाना है, और यहाँ पे फूड की जगह आपने लिखना है इंस्पिरेशनल कोट्स। अब यहाँ पे जितनी पोस्टें आएंगी ये इंस्पिरेशनल कोट्स आपको मिलेंगी, यहाँ पे आप अपने मुताबिक वो कंटेंट चेंज कर सकते हैं, और इसके अलावा वो आप फिर आप वो यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह हैप्पी हॉलीडे है, इस तरह ये डिफरेंट डिज़ाइन में आपके पास है, मैं आपको कोई एक डिज़ाइन करके दिखा देता हूँ। इस तरह ये एक पोस्ट है, मैंने इसको क्लिक किया, और यहाँ पे जो मैं गुड मॉर्निंग, तो ये अच्छा लग रहा है मुझे, तो मैं गुड मॉर्निंग इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पे मॉर्निंग एक्सरसाइज का मैं कोई कोट ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं गूगल पे जाके मॉर्निंग वॉक का कोई कोट हम ले लेते हैं। ये एक पोस्ट अच्छी मुझे लगी है, और इसको हम कॉपी कर लिया मैंने और वापस अपने डिज़ाइन में, और इसके अंदर मैंने इसको किया है पेस्ट। ओके फाइन, ये अच्छा लग रहा है। अब मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया यहाँ से, और इसको यहाँ पे रखा। इसका आप कलर भी अब चेंज करना चाहें तो आप कलर चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसका कलर किस तरह का रखूँ, इसको अगर हम ये वाला ज़्यादा बेहतर लग रहा है। तो इस तरह करके आप अपना कोड भी चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे अगर आपने फर्दर कोई टेक्स्ट ऐड करना है या कोई ग्राफिक्स ऐड करने हैं मॉर्निंग के, तो आप उसी तरह एलिमेंट्स में जाएंगे। एलिमेंट्स में जाके जहाँ पे आपने ग्राफिक्स में वैलेंटाइन लिखा है, यहाँ पे आप लिख देंगे एक्सरसाइज। तो यहाँ पे एक्सरसाइज की आपके पास ये देखें सारे वो आना शुरू हो जाएंगे, तो आप ये भी अपनी मर्जी से वो यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इनको यूज़ करके आपको कुछ बताता हूँ। जिस तरह मैंने ये वाला एक एलिमेंट लिया है और इसको मैं यहाँ पे एज अ कोट के तौर पे यूज़ कर सकता हूँ। जिस तरह यहाँ पे ये मैंने बनाया, इसको मैं रखता हूँ यहाँ पे, और इसी की एक मैंने डुप्लीकेट ले ली और वो मैंने यहाँ पे रखी, और इसको मैं कर देता हूँ फ्लिप, यानी कि मैं रिवर्स कर देता हूँ यहाँ से। तो अब ये मेरा कोट आ गया यहाँ पे, ये इन्वर्टेड कॉमास के तौर पे ये दोनों मैंने कोट रखे हैं, आप वो आप यूज कर सकते हैं इस तरह। तो ये देखें मेरी पोस्ट बिल्कुल रेडी हो गई है। आप यहाँ पे अपना कोई लोगो लगाना चाहें, कोई बैकग्राउंड चेंज करना चाहें, अगर बैकग्राउंड कोई आपको अच्छा नहीं लग रहा तो अगेन मैंने आपको बताया था आप एलिमेंट्स में जाएंगे, एलिमेंट्स में जाके आप फोटोज में जाएंगे। ये मैं बार बार एक चीज फोटोज और एलिमेंट का बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह याद हो जाए कि कस्टमाइजेशन जब आप करते हैं तो आपके पास बहुत सारी आर्काइव बिल्कुल डिजाइन रेडीमेड रेडी टू
लॉन्च रेडी टू पब्लिश ये पड़ी हुई है, आप वो कैसे यूज करेंगे। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मॉर्निंग वॉक। तो अब ये मुझे मॉर्निंग वॉक के जो है वो उस तरह के नजर आना शुरू हो गए हैं। मैं इस वाले इमेज को यहाँ पे मैंने रखा और मैं चाह रहा हूँ कि वो वाला इमेज भी यूज़ हो जाए और ये वाला इमेज भी यूज़ हो जाए। तो मैंने इसको जितना रखना चाह रहा हूँ मैं इसको, एक तो मैंने ये थोड़ा इस तरह करके बड़ा कर लिया और मैं इसकी ओपेसिटी कम करना चाह रहा हूँ। ओपेसिटी यानी कि नज़र कम आए, पिछले वाला इमेज भी नज़र आए और ये भी नज़र आए। तो मैं यहाँ पे ये वाला जो ट्रांसपेरेंसी है, मैं ये जो आपको ट्रांसपेरेंसी नज़र आ रहा है मैं इसको क्लिक करूँगा और यहाँ से इसकी ओपेसिटी मैं कम करता जाऊँगा। ये देखें, अब ये देखें वो हल्का सा मैंने इम्पैक्ट वो दे दिया। अब इस वाले इमेज को मैं बिल्कुल पीछे लेके जाना चाह रहा हूँ, ये टेक्स्ट के सबसे ऊपर आया हुआ है। तो मैं इसको राइट क्लिक करके यहाँ से लेयर में जाऊँगा और यहाँ से इसकी अरेंजमेंट मैं चेंज कर सकता हूँ कि मैंने इसको पीछे रखना है या आगे रखना है। तो यहाँ से अगर मैं लेयर में जाके सेंड टू बैकवर्ड कर दूंगा, यहाँ पे लेयर्स को क्लिक किया और यहाँ पे सेंड टू बैक कर दूंगा, तो ये पीछे चला जाएगा और टेक्स्ट मेरा ये देखें क्लियर हो गया है। अब वो पिछली वाला इमेज भी नज़र आ रहा है। यहाँ से ओपेसिटी में अगेन दोबारा उसकी ठीक कर सकता हूँ कितनी रखनी है। इस तरह करके देखें मैंने दोनों इमेजेस यहाँ पे रख दी हैं। तो इस तरह आप अपनी मर्जी का एक कोट का भी अपना पोस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं ताकि आपके टाइमलाइन पे, आपकी जो सोशल मीडिया है वहाँ पे एक वैरायटी और एक फ्रेशनेस, फ्रेग्रेंस आपके कंटेंट में वो नज़र आए। उम्मीद है अब आपको पोस्ट डिज़ाइन करना, फेसबुक की और इंस्टा की पोस्ट जो 1080x1080 हो या वो लैंडस्केप में हो वो डिज़ाइन आ गया होगा। उसमें हम इमेजेस कैसे यूज़ करते हैं, उसमें अगर कोई ग्राफिक्स ऐड करना है या इसमें कोई टेक्स्ट ऐड करना है, टेक्स्ट की पोजीशन कैसे चेंज करनी है, टेक्स्ट का फॉन्ट कैसे चेंज करना है, उनका कलर कैसे चेंज करना है, ये सारा हमने आज की इस वीडियो में, इस लेक्चर में हमने देखा है। अगली वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अंटिल देन, बाय बाय।